अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं फ्री आइडियाज़। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ट्रेंडिंग लॉन्ग शर्ट की कटिंग। आजकल लॉन्ग शर्ट्स का बहुत फैशन है और बहुत ही खूबसूरत लगती हैं, लेकिन ब्रांडेड लॉन्ग शर्ट की कटिंग आप कैसे कर सकते हैं और उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी अपनी इस वीडियो में। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और जो न्यू है मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे ये मैंने फैब्रिक जो लिया हुआ है, इस पे नॉर्मल फैब्रिक ही है, कोई इतना हाई फाई नहीं। आप लोग लॉन कॉटन, आजकल तो लॉन ही है, समर के लिए हाथ से कटिंग कर सकते हैं। इसको सबसे पहले तो मैं ऐसे डबल फोल्ड करके ना इसको सारा प्रेस कर लूँगी। डबल फोल्ड मैंने इस तरह से रखा है कि मैंने कपड़े को पहले यूँ डबल फोल्ड किया है, ऐसे डबल फोल्ड करके फिर मैंने इस पूरे कपड़े को प्रेस किया और फिर यहाँ से उठा के, जैसे हम ट्राउज़र का कपड़ा रखते हैं ना, उसी तरह आप शर्ट का कपड़ा भी अगर रखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से आपकी शर्ट की कटिंग होती है। मैंने फिर उस तरह से इसको फोर्थ फोल्ड किया है। ये जो शर्ट का कपड़ा है ये सिंपल मतलब जो नॉर्मली कपड़ा आपको मिलता है ये उसमें है, जिसकी जो विड्थ है वो डबल फोल्ड में 19 है और जो लेंथ है वो भी डबल फोल्ड में, मैं आपको बता देती हूँ, फुल लेंथ इसकी आ रही है 53। आजकल इतना ही कपड़ा मतलब आपकी शर्ट का होता है, आप उसमें से इजीली लॉन्ग शर्ट निकाल सकते हैं। जो रफ है उसको हम नीट कर लेते हैं। अच्छा, शर्ट काटें या ट्राउज़र काटें, ये वाला हिस्सा लाजमी कट किया करें, इससे काफ़ी खिंच पड़ती है और आपका जो कपड़ा है वो खिंचने की वजह से कटिंग भी ठीक नहीं होता। चलें जी, ये कटिंग हो चुकी है, अब हम शर्ट की कटिंग करना शुरू करते हैं। ये मैं मीडियम साइज़ पे शर्ट बना रही हूँ, मीडियम साइज़ जो है वो इसीलिए बार बार मैं करती हूँ उसी को फोकस, क्योंकि मीडियम साइज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो यहाँ पे ये मैं मीडियम साइज़ की कटिंग करने लगी हूँ शर्ट की, सिर्फ आपको लॉन्ग शर्ट का तरीका बताने के लिए। 15 इंच रख रही हूँ तीरा, 7.5 इंच। जिन्होंने मेरी शर्ट की कटिंग नहीं देखी प्रॉपर शर्ट कटिंग, वो स्टिचिंग प्लेलिस्ट पर जाएं और वहाँ पे उनको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके मिलेंगे स्टिचिंग, कटिंग एंड सब कुछ आपको वहाँ इजीली क्लियर हो जाएगा। यहाँ से जो कंधा है वो मैं रख रही हूँ 7.5 पर, ताकि ये 8.5 कम तैयार आ जाए। अच्छा, लॉन्ग शर्ट में आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने अपनी जो चेस्ट है ना, चेस्ट का साइज़ को लूज़ नहीं करना, वो जितना आपका साइज़ होगा आपने उतना ही रखना है। मतलब किसी का चेस्ट साइज़ 20 है तो उसने 10 पर ही निशान लगाने हैं, चेस्ट को आपने बिल्कुल भी लूज़ नहीं करना। इसके बाद आ जाती है कमर, कमर को आप 1 इंच खुला कर सकते हैं या आधा इंच खुला कर सकते हैं। अगर किसी की 17 इंच कमर है तो, या 16 इंच कमर है तो आप उसको 18 कर सकते हैं, या जो भी है, अभी ये मीडियम साइज़ चल रहा है तो इस पर 18 ही आएगी, क्योंकि अब बहुत ही फिटिंग में चीज़ें नहीं चल रही हैं। 18 मैंने रख दी है कमर। इसके बाद अब हिप लाइन जो है वो यहाँ से 13.5 पे निशान लगा के, चौक भी ऊंचे चल रहे हैं लॉन्ग शर्ट के साथ तो उसमें आपने हिप के साइज़ को भी थोड़ा सा बढ़ाना है 0.5। लाइक अगर किसी का 20 इंच है, जैसे कि मीडियम साइज़ पे मैं चल रही हूँ, 20 चेस्ट है, 18 मैंने 1 इंच ज़्यादा कमर रखी है, इसी तरह अगर 20 ही हिप लाइन है तो मैं 20.5 मतलब इसको तैयार पर लेकर आऊँगी। अब ये 0.5 का फ़र्क इसलिए आप लोगों ने लेकर आना है ताकि आपकी फॉल आए, एक ढलकी हुई सी शेप आए। अगर आप कमर को टाइट कर लेंगी तो वो बड़ा गंदा सा कर्व अंदर जाएगा, फिर यहाँ से हिप लाइन तक आएगा, और अगर आप दामन को बड़ा करते हैं आपका हिप लाइन छोटा होगा, तो आप यहाँ से सोचें जब इतना खुला दामन लेकर जाएंगे तो वो शर्ट आपकी अच्छी लुक नहीं देगी। अब 20 हिप लाइन के साथ ऑलमोस्ट 22 घेरा होता है, तो मैं इसका जो घेरा है ना वो रख रही हूँ तकरीबन 28 इंच। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको मैं थोड़ा सा हाइट के लिहाज से अगर गाइड करूँ तो आप लोग ये काम कर सकते हैं कि जिनकी इस टाइम 5'2", 5'3" या इस तरह 5'4" जिनकी हाइट है ना, तो वो ऐसे करें कि 46 to 47 लेंथ रख सकते हैं, उनके लिए वो ज़बरदस्त साइज़ है। अगर किसी की 5.6 है, 7 है या 5.8 हाइट है तो वो 48 से लेके 50 तक का साइज़ रख सकते हैं, ये उनको ज़बरदस्त आएगा। बाकी जिनकी 6 तक हाइट है वो तो
फिर 52-53 रखेंगी तो उनको ज़बरदस्त किस्म का ये जो हाइट ये साइज होगा लेंथ का वो अच्छा पूरा आएगा, क्योंकि ना शर्ट्स क्वार्टर चल रही हैं ना बिल्कुल टखनों तक चल रही हैं, वो एक बीच का साइज ब्रांड्स वालों ने निकाला है जो कि बहुत प्यारा लग रहा है आजकल। तो यहाँ पे जो ये वाली मैं 48 की जो लेंथ यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ ना, ये 5'5" मतलब जिनकी हाइट है उनके लिए बेस्ट रहेगा। ये देखें ये इस तरह से शेप जा रही है, अब ये बिल्कुल देखें आप ए लाइन भी नहीं जा रही है, बिल्कुल ही कॉर्नर भी नहीं निकला हुआ इसका, बिल्कुल ही हमने बिल्कुल स्ट्रेट दामन भी नहीं रखा हुआ, ये एक मीडियम साइज़ का दामन हमने बीच में से निकाला है ताकि ये हिप लाइन के अकॉर्डिंग चले। अगर आप अपना हिप लाइन पीछे फर्ज करें यहाँ पर करते हैं तो फिर ये कोना बन सकता था, इसलिए 0.5 आपने अपनी हिप लाइन खुली करनी है, 1 इंच आपने अपनी कमर खुली करनी है, लेकिन चेस्ट आपने बिल्कुल बराबर साइज़ पर बनानी है, चेस्ट आपने 0.5 भी लूज नहीं करनी, तब आपकी ये जो शर्ट है ना बड़ी ज़बरदस्त किस्म की यहाँ से उसकी फॉल आएगी। बाकी अगर मैं आपको थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन करूँ तो ये देखें जैसे कि आप लोगों के जो नी साइज़ है, जैसे कि इस जिनकी ये शर्ट है जिनका ये साइज़ बन रहा है उनकी जो नी का साइज़ है वो 35 है, 35 पे उनको नी मतलब अगर वो घुटनों तक कोई शर्ट रखवाना चाहती हैं तो उनकी 35 पर आती है, 35 से ये इतना नीचे जा रहा है, ये देखें 13 इंच 35 से नीचे जा रहा है, ये बिल्कुल आपके टखनों के पास नहीं रहेगा, ये आपके मतलब टखनों से 6-7 इंच का ऊपर का फ़र्क होना ज़रूरी है। बाकी अभी भी अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रही है कि कहाँ तक हम अपना साइज़ रखें तो आपने टखनों से 5-6 इंच ऊपर अपनी हाइट का जो है वो लेना है, साइज़ लेना है, और उसके बाद आपने अपनी शर्ट की लेंथ निकालनी है, इतनी ऊपर ज़रूर होनी चाहिए। ये देखें जी कटिंग हो चुकी है, ये कुछ ऐसी लुक आएगी इस शर्ट की, और ये आपको दामन नज़र आ रहा होगा इसका, अभी स्टिचिंग नहीं दिखाऊंगी आपको क्योंकि सिंपल स्टिचिंग है जो एक शर्ट की होती है, आपने इसको वैसे ही स्टिच करना है, बाकी जो डिज़ाइनिंग है वो तो आपकी मर्ज़ी है आप किस तरह करें। हाँ एक चीज़ है कि पाइपिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है इस तरह की शर्ट्स पर, सिर्फ आप ट्राउज़र के कपड़े को अंदर की तरफ करके लगा सकते हैं या शर्ट को ही अंदर की तरफ थोड़ा चौड़ा करके मोड़ सकते हैं, दामन पर लेस या कोई डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, चॉक्स वगैरह पर कुछ ना कीजिए क्योंकि आजकल कोई इतना खास फैशन है नहीं है, सिल्क की पाइपिंग है तो वो कैजुअल कपड़ों पे लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो ये होगी शर्ट की कटिंग, बाकी अगर तो आप पर यार्ड में कपड़ा खरीद रहे हैं तो आपको फिर खुला कपड़ा लेना पड़ेगा थोड़ा, मतलब 2.5 गज की शर्ट अगर तो 3 गज की लेनी पड़ेगी आपको, क्योंकि फिर आपकी स्लीव नहीं निकलेंगी इतनी लंबी शर्ट्स बनाने के लिए। तो अब बाकी जो ब्रांड्स हैं या फिर 3-piece सूट होते हैं उनमें तो अब आपको पता है कि स्लीव अलग होती हैं, शर्ट का कपड़ा अलग होता है, उसमें आसानी हो जाएगी। अभी तो मुझे इजाजत, ओके जी, खुदा हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।